नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर निशा गावंडे, कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट। हमारे पड़ोस में एक बहुत ही प्यारा फैमिली रहता है, हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा। हस्बैंड एक ऑफिस में अच्छी पोस्ट पे जॉब करते हैं, वाइफ हाउसवाइफ है और बेटा टीनेजर है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। अभी अभी कॉलेज में आते ही पापा ने उसको नई स्पोर्ट्स बाइक दिलाई है, स्टाइलिश है, स्पीड है, बेटा उस बाइक के साथ बहुत खुश है। लेकिन स्पोर्ट्स बाइक की एक प्रॉब्लम होती है, उसकी पीछे की सीट जो है वो थोड़ी ऊपर होती है और छोटी होती है, जिसकी वजह से पीछे बैठने वाले को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, बेटा वो बाइक चला के बहुत खुश है। मम्मी हाउसवाइफ हैं पर मॉडर्न हाउसवाइफ हैं, वो अपनी ग्रॉसरी और सारी शॉपिंग ऑनलाइन करती हैं। लेकिन आज उनके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है या तो कोई और परेशानी की वजह से वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर पाई। वो अपने बेटे को बोलती है, बेटे जब आप जाओगे तो मेरे को ग्रॉसरी स्टोर में ड्रॉप कर देना, मैं वहाँ से शॉपिंग करके ऑटो लेके वापस आ जाऊँगी। बेटा रेडी होके बाहर जाने की जल्दी में है, उसको अपने फ्रेंड्स से मिलना है। वो मम्मी को बोलता है, मम्मी आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। मम्मी बोलती है, अब बेटा पार्किंग से बाइक निकालो, उतने में मैं फटाफट बास्केट लेके आ जाती हूँ। बेटे को याद आता है, मम्मी बाइक की जो पीछे की सीट है वो थोड़ी ऊपर है, तो आप साड़ी पहन के उस पर बैठ नहीं पाओगे, आपको जैसे घोड़े पे बैठते हैं वैसे बैठना पड़ेगा। मम्मी बोलती है, ठीक है आप बाइक निकालो, मैं फटाफट चूड़ीदार पहन के चेंज करके आ जाती हूँ। जितने में बेटा पार्किंग से बाइक निकालता है, मम्मी जल्दी जल्दी चेंज करके बास्केट लेके पार्किंग लॉट में पहुँच जाती हैं। अब जैसे ही बाइक पे बैठने के लिए मम्मी अपना राइट लेग ऊपर उठाती हैं, जोर से उनके बैक थाई मसल में क्रैम्प आ जाता है। बहुत अनबेरेबल पेन, वो दर्द के मारे चिल्ला उठती हैं। बेटे ने लाइफ में कभी ऐसा पेन बेयर नहीं किया है, उसको समझ नहीं आता है। उसको लगता है, मम्मी ये क्या नाटक कर रही हैं। वो मम्मी को बोलता है, मम्मी आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। बेचारी मम्मी क्या करें, बोले बेटा आप जाओ अपने फ्रेंड्स के पास, मैं बाद में ऑटो में मार्केट जाके आ जाऊंगी। बेटा चला जाता है मम्मी के पेन को निगलेक्ट करके। मम्मी थोड़ी देर वहीं खड़ी रहती है, उनके लिए हिलना डुलना भी मुश्किल है। थोड़ी देर के बाद जैसे तैसे करके वो घर में जाके रेस्ट करती हैं, आज वो मार्केट जाना कैंसिल करती हैं। ये थी एक घटना। कुछ दिनों के बाद बेटे और उनके फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम पिकनिक पे जाएंगे। वो लोग दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग पिकनिक पे जाने वाले होते हैं, लेकिन एज़ यूज़ुअल आजकल के यंगस्टर्स रात को मोबाइल पे वेब सीरीज देखना या तो लूडो खेलना, लेट नाइट तक बेटा जगा हुआ है, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाता है क्योंकि पिकनिक पे जाना है, खुश है, एक्साइटेड है। रेस्ट कम होने की वजह से बॉडी थका हुआ है, उठ के वो थकावट दूर करने के लिए अपने बॉडी को जोर से स्ट्रेच करता है। जैसे ही वो अपने लेग मसल को स्ट्रेच करने जाता है, उसके काफ मसल में क्रैम्प आ जाता है और जोर से चिल्ला उठता है, मम्मी। उसको समझ नहीं आता कि इस लेग को मैं कैसे मूव करूं, क्या करूं तो मुझे पेन में रिलीफ मिलेगा। और उसको याद आता है, उस दिन जब मम्मी को लेग में क्रैम्प आया तो उनको कैसा दर्द हुआ होगा। आज के हमारे वीडियो में हम देखेंगे कि जब बैक थाई मसल में क्रैम्प आ जाता है तो उसको इमिजिएटली क्या करने से रिलीव किया जा सकता है, और यदि काफ मसल में क्रैम्प आ जाता है तो उसको कौन सी टेक्निक से इमिजिएटली रिलीव किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मसल क्रैम्प क्या है? मसल क्रैम्प माना मसल की इनवॉलेंट्री मूवमेंट। कई कई बार हमारी जान के बाहर मसल बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्शन इतना पावरफुल होता है कि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इस घटना को मसल क्रैम्प बोलते हैं। मसल क्रैम्प अलग अलग पोजिशन में आ सकते हैं, जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल ओवरयूज्ड होने की वजह से, फटीग होने की वजह से उसमें क्रैम्प आने के चांसेस होते हैं। कई कई बार रेस्टिंग पोजीशन में हम जब कुछ नहीं कर रहे तब भी मसल क्रैम्प आ सकता है।
कई बार सोए सोए नींद में आधी रात को भी मसल क्रैम्प आ सकता है। कोई कोई बार जब ऑल ऑफ सडन हम ऑड मूवमेंट करने जाते हैं तब भी मसल क्रैम्प आ सकता है। साइंटिफिकली मसल क्रैम्प के बहुत सारे रीज़न हैं, जिनमें से कुछ जैसे कि एक्सरसाइज के दौरान बॉडी में बहुत स्वेटिंग होने की वजह से फ्लूइड लॉस हुआ है, उसकी वजह से मसल क्रैम्प हो सकता है। हमारी बॉडी में मैग्नीशियम पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से भी मसल क्रैम्प हो सकता है। अगर हम इनएक्टिव हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बॉडी स्टिफ है, उस सूरत में भी मसल क्रैम्प आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज के हमारे वीडियो में अगर ऑल ऑफ सडन मसल में क्रैम्प आ गया है तो कौन सी ऐसी टेक्निक है जो करने से उसमें इमीडिएट रिलीफ हो सकता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हम इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब बैक थाई मसल यानी कि हैमस्ट्रिंग में मसल क्रैम्प आता है तो कौन सी टेक्निक यूज़ करने से उसमें इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। उसके लिए लेग को वेल सपोर्टेड रखना है, हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करना है और फिर जिस एरिया में क्रैम्प आया है उस एरिया को जब तक क्रैम्प रिलीव नहीं हो जाता हल्के हाथ से मसाज करना है। ये टेक्निक यूज़ करने से पेन में रिलीफ मिलेगा और क्रैम्प भी जल्दी रिलीव हो जाएगा। दूसरा, हम जानते हैं कि जब काफ मसल में क्रैम्प आता है तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले लेग को वेल सपोर्टेड रखना है, काफ मसल को स्ट्रेच करना है और जिस एरिया में क्रैम्प है उस एरिया को जब तक क्रैम्प रिलीव नहीं हो जाता हल्के हाथ से मसाज करना है। इस टेक्निक के यूज़ से काफ मसल के क्रैम्प को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि वर्कआउट के दरमियान जो क्रैम्प आते हैं या तो सोने के समय आधी रात को जो क्रैम्प आते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में हमने देखा कि कैसे आजकल फैमिलीज़ में कम्युनिकेशन की कमी होने की वजह से हम एक दूसरे के दर्द को समझ नहीं पाते हैं। यदि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को टाइम दें तो हम लाइफ में होने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम से इजीली बाहर आ सकते हैं। और हमने मसल क्रैम्प्स को किस टेक्निक से इजीली सॉल्व किया जा सकता है वो टेक्निक्स भी आज देखी। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जब स्लीपिंग पोजीशन में मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए और वर्कआउट के दरमियान एक्सरसाइज के दरमियान जो मसल क्रैम्प्स आते हैं उनको कैसे अवॉइड किया जाए। फिजियोथेरेपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। हम जल्दी वापस मिलेंगे, जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।